Hey so well. so, रिलेटेड अगर आप विंटर में कसोल और तोश जा रहे हैं स्पेशलीवी स्नो फॉल इंजॉय करने तो किस तरह से आप वहाँ पहुंच सकते हैं किस तरह के प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए क्या वहाँ का माहौल होता है और किस तरह से आप अपने लिए उस ट्रिप को इजी बना सकते हैं आज इस व्लॉग में यही सब इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी सो इट्स अ काइंड ऑफ कसोल एंड तोश टोर गाइड और इट्स अ काइंड ऑफ कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग सो एंड ब्लॉग को जरूर देखिएगा क्योंकि मैं जब कसोल गई थी तो मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और बहुत ज्यादा चांसेस थे कि मैं तोश में हैवी स्नोफॉल में अटक जाऊँ बट होपफुली सब अच्छा रहा तो एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा काफी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन जरूर हिट करिएगा सो इन फ्यूचर मैं जो भी पोस्ट करूंगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग सबसे पहला क्वेश्चन आता है कसोल और तोश कैसे पहुंचा जाए बहुत सारे तरीके हैं आप बसेस से जा सकते हैं आप अपनी पर्सनल कन्वेंस के थ्रू जा सकते हैं बसेस में जो ऑप्शंस हैं वो है रोडवेज सेमी डिलक्स वॉल्वो वॉल्वो में आपको एचआरटीसी की वॉल्वो मिल सकती है प्राइवेट वॉल्वोज मिल सकती हैं बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि कसोल जाने के लिए आप प्राइवेट वॉल्वोज मत करिएगा मेरा एक्सपीरियंस कभी भी उनके साथ अच्छा नहीं रहा है और अगर आप खुद पढ़ेंगे तो प्राइवेट वॉल्वज़ के जो रिव्यूज़ होते हैं वो कभी अच्छे नहीं होते दूसरी जो मेन चीज़ उनके साथ होती है वो ये कि एच आर टी सी की जो वॉल्वज़ होती हैं वो आपको हमेशा ड्रॉप लोकेशन भुंतर देती हैं वो आपको भुंतर पे उतारेंगी उससे आगे का जो रास्ता है भुंतर से कसोल का वो काफ़ी नैरो रास्ता है वो रास्ता वॉल्वो के लिए नहीं है कभी भी कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है काफ़ी नैरो रास्ता है और वॉल्वो अपने आप में इतनी बड़ी बस होती है तो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता मैं जब एक बार वॉल्वो से डायरेक्ट कसोल गई थी तो लिटरली पूरी बस में जितने पैसेंजर्स थे सबकी सांसें अटकी हुई थी और सबको ये हो रहा था कि कहीं भी बीच में रोक दे और हम खुद ही ट्रैक करके चले जाएं बट हम बस से नहीं जाएंगे तो इस चीज को अवॉइड करिएगा एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहेगा प्राइवेट बस के साथ मैं आपको अभी से बता रही हूँ इसलिए आप एचआरटीसी की बस एडवांस में बुक करा कर रखिएगा कसोल अपने आप में काफी फेवरेट है यंगस्टर्स में तो टिकट्स मिलनी मुश्किल हो जाती हैं इसलिए आप कुछ टाइम पहले ही अपनी टिकट्स बुक कराकर सेफ रखिएगा अगर आप एचआर की वॉल्वो से जा रहे हैं और आप भुंतर उतरते हैं तो कुछ मिनी बसेस उसके आगे कसोल तक के लिए चलती हैं और दूसरा आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं अगर आप तीन चार लोग हैं तो आप आराम से प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं दे विल चार्ज अराउंड थाउजेंड तो आप इस तरह से कसोल पहुंच सकते हैं तीसरा ऑप्शन आता है अगर आप अपनी पर्सनल कन्वेंस से जा रहे हैं तो अब यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप विंटर टाइम में जा रहे हैं और हेवी स्नोफॉल एंजॉय करने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिनके साथ जा रहे हैं मतलब आपके जो ड्राइवर हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड हैं कसोल का रास्ता ठीक ठाक है तोश का रास्ता मनाली जैसा नहीं है अगर आपको हैवी स्नोफॉल इंजॉय करना है तोश जाना पड़ेगा कसोल तक कोई स्नोफॉल नहीं होता है किसी भी टाइम पर कसोल में स्नोफॉल नहीं होता उसके लिए आपको तोश जाना पड़ेगा और तोश का जो रास्ता है वो मनाली जैसा नहीं है रोड्स पक्की नहीं है हर टाइम पे वहाँ पे स्नो हटाई नहीं जा रही होती हैं तो आपके जो ड्राइवर है वो बहुत एक्सपीरियंस होने चाहिए कच्चा रास्ता है जब उस पे बर्फ पर बर्फ पड़ जाती है तो बिल्कुल स्लश बन जाते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस ड्राइवर होने चाहिए उतनी एक्सट्रीम हैवी स्नोफॉल में ड्राइव करने के लिए अगर आप सिर्फ कसोल तक जाना चाहते हैं तो कोई भी जो ड्राइवर हो जो स्टेशन पे जाते हो वो चल जाएंगे अगर आपके ड्राइवर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कसोल तक पहुंच के ड्राइवर चेंज कर लीजिएगा एक्सपीरियंस ड्राइवर की ज़रूरत होती है उससे आगे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे साथ जो ड्राइवर गए थे वो फर्स्ट टाइम उस तरह की लोकेशन पे जा रहे थे हमने उनको बताया था कि स्नो होगा और वहां जाना है उनको लगा था मनाली जैसा रास्ता होगा बट वो काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे थे और उनको ड्राइविंग में अच्छा खासा एक्सपीरियंस था तो उन्होंने सिचुएशन संभाल ली थी और उन्होंने काफ़ी स्मूथली और काफ़ी ईजिली ड्राइव कर लिया था बट आप ये मत सोचेगा कि कोई भी ड्राइवर ऐसा कर सकता है जान सट की अटकी हुई थी काफ़ी टाइम तक हम गाड़ी में बैठे भी नहीं थे जाने के टाइम पर भी और आते हुए भी तो ये चीज बहुत मेन है इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कसोल के बाद जो तोश तक का रास्ता है उसका डिस्टेंस 22 किलोमीटर है रास्ता बिल्कुल कच्चा टेढ़ा मेढ़ा उबड़ खावड़ है बीच में ऐसे भी कोई कोई पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आपको थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा अपनी गाड़ी को इतना ज्यादा कोई इश्यू नहीं होता कसोल में आपको स्टे के ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाएंगे आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से बुक कर सकते हैं होटल्स के जो चार्जेस हैं वो पांच सौ रुपए से लेकर पांच हजार रुपए तक के हैं आप अपनी प्रेफरेंस और बजट के हिसाब से होटल बुक कर सकते हैं पांच सौ रुपए वाले जो रूम्स हैं वो गेस्ट हाउस टाइप हैं लोगों ने अपने घरों में रूम्स बना रखे हैं लाइक फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर और उनमें वो टूरिस्ट को ठहराते हैं वो उनके लिए भी एक अर्निंग सोर्स होता है और आप अगर एक बजट ट्रैवलर हैं तो आपके लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन होता है बट अगर आप तो जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ऑप्शंस नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे अगर आप ऑनलाइन बुक कर लेते हैं आपको लगेगा अरे लोकेशन दिखा तो रहा है यहाँ पे मैं बुक कर लेता हूँ तो वो लोकेशन तोश की नहीं होगी वो कुछ किलोमीटर आगे या कुछ किलोमीटर पीछे होगी तोश अभी भी उतना ज़्यादा कमर्शलाइज नहीं है तोश के होटल्स जो हैं वो ऑनलाइन नहीं अवेलेबल हैं अभी अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको टाइम से कसोल पहुंचना पड़ेगा टाइम से वहां पे होटल बुक करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर अच्छे होटल भी दो तीन ही हैं उसके अलावा सारे गेस्ट हाउसेस हैं छोटे छोटे मेरे ख्याल से तीन या चार होटल ही हैं जो हैं जहां आप सकते हैं। हम लोग जिसमें उसका नाम होटल व्यू पॉइंट था जैसे ही आप कसोल में एंटर करेंगे आपको सामने ही एक बड़ा सा होटल दिख जाएगा जिसमें बालकनीज वगैरह अच्छी खासी हैं और मेरे ख्याल से दो या तीन फ्लोर का होटल है तो काफी अच्छा बड़ा होटल है तो वो भी आप ले सकते हैं उसके अलावा भी दो तीन होटल है बट अगर आप वो नहीं लेते हैं टाइम से नहीं पहुंचते हैं तो या तो आपको जो गांव के लोगों के घर हैं उनके जो गेस्ट हाउसेज है वहां रुकना पड़ेगा या आपको वापस जाना पड़ेगा अब आप अगर और ज्यादा देर से पहुंचे हैं और अंधेरा हो चुका है और स्नोफॉल हो रहा है तो वो ट्रिप आपके लिए सजा बनने वाला है ना आपको होटल मिलेगा ना आपके पास वापस जाने का कोई ऑप्शन बचेगा छह बजे के बाद जब रोशनी खत्म हुई उसके बाद वहां कोई ड्राइव नहीं करेगा इतने स्नोफॉल में गाड़ियां नहीं चल सकती दिन में भी स्नोफॉल के टाइम पे गाड़ियां नहीं चल पाती हैं तो रात में तो बिल्कुल नहीं हो सकता तो ये मैंने खुद वहां पे एक्सपीरियंस किया था कि जो लोग छह सात बजे के करीब वहां पर आ रहे थे वो इतने परेशान हो रखे थे इतने स्नोफॉल में घूमे जा रहे थे होटल्स वगैरह सर्च किए जा रहे थे और उस टाइम पे ये होता है कि फिर होटल वाले अपना मनमाना रेट आपको देते हैं क्योंकि उनको पता है आप वहां पे पहुंच चुके हैं अब आपको स्टे के लिए कोई ना कोई लोकेशन तो चाहिए ही है फिर आप महंगे में होटल बुक करिए या तो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप जो अवेलेबल है आपको वही करना पड़ेगा तो अगर आप दोष जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए आप चार बजे से पहले पहले किसी भी सिचुएशन में वहां पहुंच जाएं अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तब आप सामान कम से कम ही रखते होंगे बट केस आप अप अपनी फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तब भी कोशिश करिए कि आप अपना सामान कम से कम ही कैरी करें और स्पेशली अगर आप तोश जा रहे हैं तब आप जो ट्रॉलीज होती हैं वो तो बिल्कुल वहां पर मत लेकर जाइएगा आप बिल्कुल भूल जाइए ट्रॉलीज के बारे में जो बैकपैक्स होते हैं वो ही आप वहां पर कैरी करके जाइए क्योंकि आप मेन पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी तोश में ऑलमोस्ट 100-200 मीटर चलेंगे उसके आगे कुछ नहीं जा सकता है आपको एक छोटा सा पुल आएगा जो पार करना होगा उसके बाद अंदर जो गांव है तो बेसिकली एक विलेज है हिप्पी विलेज है आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा तो उसके लिए आपको चल के जाना पड़ेगा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं अवेलेबल होगा और अगर आप स्नोफॉल में जा रहे हैं तब तो फिर क्या ही बात है ऐसे में जो लोग ट्रॉली खींचते हुए ला रहे थे उनको वो इतना बड़ा बोझ लग रहा था कि वो लिटरली उस ट्रॉली की परवाह किए बिना उसको बस घसीटे जा रहे थे तो वो सिचुएशन आपके साथ ना हो इसलिए आप कम से कम लगेज कैरी करिएगा केस अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं और लगेज बहुत ज्यादा है तो आप एक छोटा बैग बनाइए बाकी सामान गाड़ी में ही रहने दीजिए आप एक छोटा बैग बनाइए जिसमें आप अपना मेन मेन सामान ले सकें आप उस बैग को ही कैरी करके तोश में ले जाएं बाकी सब सामान आप अपना गाड़ी में छोड़ दें अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप पर्सनल कन्वेंस से जा रहे हैं या आप कसोल पहुँच के भी कोई टैक्सी बुक कर रहे हैं या गाड़ी बुक कर रहे हैं कोशिश करिए फोर बाय फोर से ही आप जाएं अदरवाइज थोड़ा भी ज़्यादा स्नोफॉल हो गया तो आप अटक जाएंगे मैं अगर अपनी सिचुएशन आपको बताऊँ जिस टाइम हम गए थे हम जिस दिन पहुँचे थे हम चार बजे पहुँचे थे ठीक टाइम से पहुँच गए थे होटल में रूम भी ले लिया था और सब इन्जॉय कर रहे थे शाम को कैफेज वगैरह गए वहाँ पर घूमे फिरे अगले दिन की मैं आपको सिचुएशन बताऊँ तो लिटरली ये सीन था कि सारे लोग जितने टूरिस्ट थे सब अपनी अपनी बालकनीज में खड़े थे और कुछ लोग बाहर खड़े थे और सबका ये डिस्कशन ऑन था कि कैसे निकला जाएगा कैसे निकलेंगे कैसे पहुंचेंगे लोग जा जाकर अपनी गाड़ियां देख रहे थे जिनकी हिम्मत थी जाने लायक अदरवाइज लोग अपनी ही बैल्कनीज में बैठ के उधर से पूरा सीन देख रहे थे कि गाड़ियां बिल्कुल बर्फ से ढक चुकी हैं कोई चांस नहीं है निकलने का और एक दूसरे से कांटेक्ट शेयर कर रहे थे कि भाई अगर तुम्हारी गाड़ी निकले तो बताना यार अगर गाड़ियां निकलनी शुरू हो तो हमें भी बताना इस तरह का लिटरली वहां पर सिचुएशन था और हमको खुद को लग रहा था कि आज हम नहीं निकल पाएंगे और अगर हम उस दिन नहीं निकल पाते तो उस दिन शाम को माइनस एट जाना था टेम्परेचर और ज्यादा स्नोफॉल होना था और फिर हम अगले दो तीन दिन फंस जाते तोश में तोश में उतना स्नोफॉल होता है मैंने तोश से पहले दो बार मनाली में स्नोफॉल एंजॉय कर रखा है मैंने मनाली में भी लिटरली देखा था जब वहां पे हैवी स्नोफॉल होता है बट तोश का स्नोफॉल देख के मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी पूरा तोश एकदम वाइट चादर से ढक चुका था ऑलमोस्ट एक एक फुट की बर्फ थी उससे ज्यादा भी हो सकती है मुझे एक्जेक्टली पता नहीं है बट पूरा तोश वाइट हो चुका था सुबह जब मैं उठी मैंने बालकनी देखी तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कोई बड़ा सा वॉलपेपर उस विंडो पे किसी ने लगा दिया है क्योंकि मैंने वैसी वैसा सीन कभी इंडिया में एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इतना ब्यूटीफुल था और इतना वाइट था कि थोड़ा सा डर भी लग गया बट बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है गाड़ी की मैंने आपको बात बताई फोर बाय फोर ड्राइवर एक्सपीरियंस होना चाहिए थार हो तो बहुत अच्छा है नाउ जब आप कसोल पहुंचे तो कसोल पहुंचने के बाद आप गाड़ी को वापसी वाली डायरेक्शन में पार्क करिएगा साइड करने के चक्कर में बिल्कुल ही साइड में पार्क मत कर दीजिएगा पहाड़ों के साइड में छोटी छोटी नालियां होती हैं पानी निकलने के लिए अगर उसमें टायर चला गया स्नोफॉल ऑलरेडी है तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा गाड़ियों का बहुत मुश्किल तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा गाड़ी को थोड़ा सा ढलान की साइड और ढलान की साइड पे उसका मुंह मतलब वापसी की साइड पे उसको पार्क करिएगा इस पूरी जर्नी में कसोल तक आपको कोई इश्यू नहीं होगा कसोल तक रास्ता भी ठीक ठाक है कोई स्नोफॉल नहीं होता तोश तक पहुंचते 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 आपको स्नोफॉल धीरे 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 मिलता जाएगा गाड़ियां आप देखेंगे कि साइड में लगनी शुरू हो चुकी हैं मिनी ट्रक्स तो बिल्कुल आगे नहीं जा सकते जितनी बड़ी गाड़ियां हैं वो बिल्कुल आगे नहीं जा सकती हैं तो वो साइड में पार्क होनी शुरू हो जाती हैं अगर आपके ड्राइवर जो हैं वो आप बाहर से लेके जा रहे हैं मतलब अपनी लोकेशन से तो वहाँ के जो लोकल ड्राइवर होते हैं वो उन्हें थोड़ा सा टीज़ करना शुरू कर देंगे कि आगे गाड़ी नहीं जाएगी गाड़ी को यहीं पार्क करो जब हम यहाँ के लोकल होकर हम एक्सपीरियंस होकर गाड़ी आगे नहीं ले जा सकते तो तुम तो तो कैसे ले जा सकते हो गाड़ी यहीं पार्क होगी आगे सिचुएशन सही नहीं है बहुत कुछ वो उनको बोलते हैं और थोड़ा सा मतलब टोन हाई हो जाता है उनका जाओ ले जाओ हम भी देखते हैं कैसे जाएगी या कुछ बट अगर आपके ड्राइवर एक्सपीरियंस है जैसे हमारे ड्राइवर थे उन्होंने कहा मैं लेके जाऊंगा मैं ले जा सकता हूँ आगे और वो गाड़ी आगे लेके गए हाँ काफ़ी प्रिकॉशंस के साथ लेके जाना पड़ा जो मेरे साथ बाकी मेरे फ्रेंड्स थे वो बाहर उतरे उन्होंने मेन मेन लोकेशन पे जो अभी कोई टर्न था उन्हें गाइड किया कि गाड़ी इधर रखो उधर रखो बट हम पहुंच गए थे मेन पॉइंट तक अगर हम वहां तक नहीं पहुंचते तो इतना मुश्किल हो जाता उतनी स्नोफॉल में सामान कैरी करके हमें ऑलमोस्ट चार सौ या तीन सौ मीटर का कर ट्रैक करना पड़ता वो उस टाइम पे बहुत ही बर्डन लग रहा था तो ड्राइवर एक्सपीरियंस रखना बहुत जरूरी है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है और वहाँ के लोगों की बातों को सुनना जरूरी है बट एकदम से अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी चीजें अब कुछ पोर्सनल एक्सपीरियंस वाली चीजें कसोल में जब आप जाएंगे तो आप ये समझ के जाइएगा कि कोई सिग्नल नहीं होगा चाहे कोई भी नेटवर्क है लाइट्स बहुत ज्यादा चांसेस है स्नोफॉल में ना हो दोष में जब एक बार लाइट जाती है तो कुछ नहीं पता एक दिन दो दिन पांच दिन दस दिन कितने भी दिनों के लिए जा सकती है उतने स्नोफॉल में कोई वहां पर लाइट्स ठीक नहीं करते हैं मतलब सप्लाई नहीं करते हैं तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा आपको होटल्स मिल जाएंगे जिनमें आपको हीटर मिलेगा बट वॉट इफ अगर लाइट नहीं आ रही है और वहां के होटल्स में इन्वर्टर वगैरह कुछ नहीं होता वो बिल्कुल बेसिक होटल है ऑल कुछ अच्छे जो होटल्स मैं बता रही हूँ वो अच्छे हैं बट वहाँ पे आपको कुछ खास इम्यूनिटीज नहीं मिलेंगी आपको लैंडलाइन uh, सर्विसेज अपने रूम से नहीं मिलेंगी आपको बेड वगैरह बहुत ही बेसिक मिलेंगे हाँ बिस्तर वगैरह अच्छे होंगे प्रॉपर कंफर्टेबल होंगे कि आपको ठंडा लगे बट रूम में जो फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल बेसिक होती हैं पानी इतना ठंडा होता है कि लिटरली जो ये जॉइंट्स होते हैं फिंगर्स के ये पेन होने लगते हैं सिर्फ हाथ धोने धोने में इतना ठंडा पानी होता है तो थोड़ा सा रफ एंड टफ है वो ट्रिप अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं फैमिलीज हैं जो ऐसी चीजें नहीं एक्सपीरियंस करना चाहती तो आप वहाँ का ट्रिप मत प्लान करिएगा उसके अलावा फिर आप मनाली वगैरह जाइए जहाँ पर आप थोड़ी सी लग्जरी मिल सकती है तोश का जो ट्रिप है दैट इज कम्पलीटली फॉर यू नो ट्रैवलर्स यंगस्टर्स जिनको थोड़ा एडवेंचर करना है एक्सपीरियंस करना है चीजों को क्योंकि ब्यूटी जो है तोश की वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती आप मनाली में वो ब्यूटी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं जो आप तोश में कर सकते हैं गाड़ी निकालने के टाइम पे इतना ब्लैंडर हो रहा था किसी तरह से जो मेरे फ्रेंड्स हैं शिवम और ड्राइवर वो लोग जाके गाड़ी देख कर आए क्या हो रहा है क्या सिचुएशन है फिर उन्होंने बोला कि आज ही निकल सकती है तो निकल सकती है उसके अलावा नहीं थैंकफुली ये सिचुएशन हुई कि एक थार निकली जब एक थार निकली तो रास्ता बन गया उस पर से कुछ और लोगों ने गाड़ी निकालनी शुरू की यहां पर सिर्फ ड्राइवर अकेले गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं सबको इक्वली सपोर्ट करना होगा लिटरली हमने टायर्स के नीचे से साइड में से खोद खोद के बर्फ निकाली थी धक्का लगाया था पत्थर लगाए थे तब जाके जो गाड़ी थी टायर थे वो निकल पाए थे जब टायर के नीचे पत्थर लगाया तो उसकी ग्रिप बन पाई थी अगर आपका ट्रिप ऐसा है नो जिसमें लोग जो हैं वो लग्जरी इंजॉय करने वाले हैं छुई मुई टाइप हैं रफ टफ नहीं है जो ये सब फन वाली चीजें नहीं कर सकते बर्फ खोदना गाड़ी को धक्का मारना सब तो वो ट्रिप आपके लिए बहुत ही हैक्ट्रिक बन जाएगा मतलब फिर वो ट्रिप आपके लिए नहीं है दैट्स इट फॉर डेज वीडियो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन इफ़ यू वांट अ कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर्टिकुलरली अबाउट कसोल एंड तोश सो so मैंने वो बनाई हुई है और चैनल पे डाली हुई है मैं आई बटन पे उसको मैंशन कर दूंगी सो मच so अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और बेल बटन पर जरूर क्लिक करिएगा सो दैट इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे बाय